हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा, लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी, व्हिच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड अक्सर अपने सीनियर से पूछो इस चैप्टर से, वो बहुत दूर भागते हैं, लेकिन तुम लोग इस चैप्टर के बड़े नजदीक आ जाओगे। क्यों? क्योंकि हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी जो अक्सर टीचर्स आपको कई बार गाइड नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको आता होगा, बट अब क्योंकि इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ तो ऐसा कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं हर बच्चा कहीं ना कहीं मार खाता है। सो यहाँ पे इस चैप्टर में हम बेसिक चीजें भी पढ़ेंगे, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें भी बताऊंगी। चैप्टर थोड़ा सा लंबा जाएगा बेटा, हो सकता है ये आपको 5 से 6 लेक्चर्स में जाए, 7 भी हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम इन 7 लेक्चर्स के अलावा फिर आपको और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। आज की क्लास में हम यहाँ पे किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। किंगडम मोनेरा थोड़ा सा लंबा है, ये इकलौता 2 लेक्चर ले लेगा, लेकिन इसको समझना बड़ा आसान है। आज हम इसका जो बेसिक पढ़ने वाले हैं उस एक ही डायग्राम में सारा गड़बड़ घोटाला कर देंगे। मतलब जो जो किंगडम मोनेरा में मिल सकता है ना, जो जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में हो सकता है, वो सारी एक ही सेल में बना करके उसको समझ लेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा बच्चों कि आपको फिर किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, आपको पता लग जाएगा कि ये सारी चीजें प्रोकैरियोट्स में है, और फिर आप डिफरेंशिएट करना कौन सा साइनोबैक्टीरिया में है, कौन सा वगैरह वगैरह। नाउ लेट्स स्टार्ट क्लास। सो किंगडम मोनेरा से पहले हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था बेटा, और बिल्कुल हम उसी को फॉलो भी करते हैं। आरएच विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, हम उसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। बट देयर वाज वन मोर पर्सन जिनको थोड़ा सा कीड़ा हुआ और उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन निकाल दिया। अब ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था बच्चों? सो देखिए, जैसे यहाँ पे एक एनिमेलिया, एक प्लांटे, एक फंजाई, एक आपका प्रोटिस्टा हुआ, और एक आपका मोनेरा होता था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार किंगडम मोनेरा में तो 2 तरीके के बैक्टीरिया आ रहे हैं, एक जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, हार्श कंडीशंस में, बेटा उनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। इन बैक्टीरिया के पास कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन बाकी के बैक्टीरिया से अलग, from the probacteria these are different. अभी ऐसा क्या है उन्होंने कहा? उन्होंने देखा बेटा, इनका जो राइबोसोम है, उस राइबोसोम के आरएनए में गड़बड़ है। देखिए, दिमाग के ऊपर से नहीं निकले इसलिए सुनिए। इन्होंने बेटा देखा कि ये जो मोनेरा है, इसमें 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक को उन्होंने बोला यू बैक्टीरिया, और एक को बेटा उन्होंने बोला आरके बैक्टीरिया। अब देखिए, यू का मतलब होता है ट्रू, जैसे यू कैरियोट्स, ट्रू कैरियन, ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ पे यू बैक्टीरिया, दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया, ये बेटा ट्रू प्रोकैरियोट है। लेकिन आरके बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया आते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन बोले तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई सैलिनिटी, बहुत ज़्यादा हाई एसिडिटी, इस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहता है अपना आर्की बैक्टीरिया। अब ये आर्की बैक्टीरिया बेटा, जब इन्होंने यहाँ पे देखा, तो क्योंकि वैसे दोनों प्रोकैरियोट ही, भाई है तो दोनों प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था बेटा, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। लेकिन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में एक चीज कॉमन है, एंड दैट वन थिंग व्हिच इज कॉमन इज अ राइबोसोम। एक राइबोसोम बेटा दोनों में ही होता है, और इनमें भी दोनों में राइबोसोम। अब देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों में, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है बेटा, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम। अब S क्या होता है बच्चे, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं बेटा। S का मतलब होता है
इट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू है, इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं. स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है, इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं और ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट की वैल्यू देता है. नाउ व्हाट इज दिस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? अभी देखिए, पानी रखा, उसमें मिट्टी डाल दी, पत्थर डाल दिया, तो ऐसा पत्थर जल्दी जल्दी नीचे आ जाएगा. मिट्टी थोड़े बारे पार्टिकल जल्दी नीचे आएंगे तो सेडिमेंट हो जाती है. सो राइबोसोम इसी के बेसिस पे इनका 70s और यूकेरियोट्स में 80s होता है. तो ये बेटा कुछ नहीं है, एक तरीके से इनका मास और इनकी डेंसिटी की मेजरमेंट है. 70s बेटा दो सब यूनिट से बना होता है, एक लार्जर यूनिट जो आपका 50s होता है और एक स्मॉलर यूनिट जो बेटा आपका 30s होता है. लार्जर 50s, स्मॉलर 30s. अब इन्होंने क्या देखा कि ये जो लार्जर आपका 50s है, अब इन दोनों में आरएनए होते हैं बेटा. आरएनए इज लाइक डीएनए बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम डीएनए. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको इनके बारे में यहाँ पे पता चलता रहेगा. अब देखिए बेटा, आर आर एन ए इज राइबोसोमल आर एन ए जो कि आपके राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो इसमें आर आर एन ए होता है, अब अलग अलग टाइप का होता है. एक होता है 16NSRRNA, यानी कि इट इज अ राइबोसोमल आर एन ए बेटा. चिंता मत करो, ये आगे टॉपिक्स रिपीट होंगे सेल चैप्टर में, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा. सो देखिए बेटा, 16SRNA इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब दोनों में आर्किबैक्टीरियम बैक्टीरिया के राइबोसोम के लार्जर में प्रेजेंट होता है 16S का राइबोसोमल आरएनए. ये बेटा इन्होंने देखा, कार्ल वूज ने, कि आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का डिफरेंट है. तो इन्होंने क्या देखा कि ये 16S mRNA इसका जो सीक्वेंस होता है बच्चे, इट इज different in eubacteria and archaebacteria. तो इन्होंने इस एक किंगडम को दो अलग अलग किंगडम में बांट दिया, एक किंगडम eubacteria और दूसरा किंगडम archaebacteria. So this is the six kingdom classification of Carl Wurz. Now, but we follow five kingdom classification. ठीक है, चलो. अब ये सारी जब स्टडीज चल रही थी आर्किबैक्टीरिया से रिलेटेड, एक चीज तो यहाँ पे समझ में आई बेटा, द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ. लाइफ कैसे आई, एक तरीके से ये तीन पिलर हैं. ठीक है, आज इतने सारे इंसान, जानवर, प्लांट्स, हम सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं. वी आर ऑल यूकैरिया, वी आर ऑल यूकैरियोट्स. बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे प्रोकैरिया हैं, प्रोकैरियोट्स. हम कहीं ना कहीं आए हैं पुराने एंशिएंट आर्किया से. तो आर्के बैक्टीरिया के अंदर जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, इसमें कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो यू में भी कुछ यू कैरेक्टरिस्टिक्स यूकैरियोट्स की तरह होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स की तरह होते हैं. तो ये बेटा थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ है. ये कहता है कि आर्किबैक्टीरिया आए होंगे पुराने जमाने की अर्थ में, जब अर्थ की कंडीशन बहुत खराब थी, एक्सट्रीम कंडीशन थी, उसी में से कुछ यूकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए उनमें से और कुछ बैक्टीरिया, दैट इज द प्रोकैरियोट्स. ठीक है, चलिए, ये यहाँ पे हमारी ये कहानी खत्म होती है. एंड नाउ बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा. Now the first kingdom is kingdom Monera. सबसे important line, अगर आप नीट का exam देते हैं, boards का देते हैं, कुछ भी, सबसे important चीज बेटा, इस Monera का जो main member है, that is a prokaryote, and all bacteria are prokaryote. So bacteria is the sole member. ये line बड़ी important है. Bacteria is the sole member of किंगडम मोनेरा. बेटा किंगडम मोनेरा में केवल बैक्टीरिया ही नहीं आते,
बहुत कुछ आता है। अब क्या क्या आएगा देखिए, तो एक तो इसके अंदर यू बैक्टीरिया आएगा, एक इनके अंदर आर की बैक्टीरिया आएगा बेटा। तो हम पढ़ चुके हैं आर की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। कार्ल वुड ने तो इन दोनों को अलग अलग किंगडम में ही डाल दिया, लेकिन एक ही किंगडम में हम पढ़ते हैं। सो मोनेरा में यू बैक्टीरिया, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आर की बैक्टीरिया भी आते हैं, इसके अंदर बच्चे एक आता है साइनोबैक्टीरिया, एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। नाउ साइनोबैक्टीरिया इज नथिंग बट ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, तो देखिए बेटा एल्गी क्या होता है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास कोई लीफ नहीं होता, जिनके पास कोई स्टेम नहीं होता, जिनके पास कोई रूट नहीं होता, लेकिन बेटा ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट्स क्या है, सारे प्लांट्स के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। अब उनमें जो सबसे सिंपल प्लांट्स होते हैं वो आपकी एल्गी होता है, जिनके पास ना जड़ें होती है, ना स्टेम होता है, ना आपका बेटा कोई रूट होता है, ये सारी चीजें इनके पास एल्गी के पास नहीं होती। अच्छा फिर हम इसको प्लांट किंगडम में क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, इसको हम इस किंगडम में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये ब्लू ग्रीन कलर के, तो ये बेटा आपके प्रोकैरियोट होते हैं। अब समझिए सारी बात का मतलब, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट। एक मेरे होते हैं साइनो बैक्टीरिया, साइनो का मतलब साइन कलर, ब्लू ग्रीन कलर, क्योंकि इनके पास उसी तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। ये बेटा खाना बना सकते हैं, तो क्योंकि प्लांट्स की तरह है, सिंपल प्लांट्स की तरह है, तो उसको एल्गी भी कह दिया, लेकिन ये है तो प्रोकैरियोट्स, तो इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। आगे बच्चे, इसके अंदर आपके आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। अब ये हमें नहीं पढ़ना, एक्टिनोमाइसिटीज बेटा दीज आर फंजाई लाइक। अब फंगस क्या होता है, छोटा सा क्लास 10th में राइजोफियम सॉरी राइजोपस का डायग्राम पढ़ा होगा, ऐसा नहीं हो सकता अगर तुमने नहीं पढ़ा, नहीं तो पिटाई खा लो। बेटा मैंने ही पढ़ाया तुमको राइजोपस, क्लास 10th में तुमने पढ़ा है, एक फंजाई होता है ऐसे ऐसे, उसमें धागे धागे रेशे जैसे, तो ऐसे फंगल हाइफाई जैसा स्ट्रक्चर होता है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, तो ये फंगस जैसा इसका नाम है, इसको हम एक्टिनोमाइसिटीज। और एक बेटा इसके अंदर हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा, तो हमें एक्टिनोमाइसिटीज के अलावा सब कुछ पढ़ना है बेटा। दीज माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, पूरी दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा होता है। ये प्रोकैरियोट होता है, लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं होता, तो इस चीज को याद रखिएगा, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। नाउ अगर मैं ओवरऑल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं, सभी के सभी मोनेरा किंगडम के अंदर जो जो आता है, अगर मैं जनरली इसको डिस्क्राइब करूं, तो यहाँ पे मुझको क्या क्या समझ में आता है बेटा, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यानी ये एक सेल के भी हो सकते हैं, ये आपके कॉलोनीज हो सकती है, यानी ये इस तरीके से ऐसे इकट्ठा साथ में रह सकते हैं, ये बेटा फिलामेंटस हो सकते हैं, है तो सिंगल सेल लेकिन ये ऐसे जुड़ जुड़ के ऐसा फिलामेंट सा बना सकते हैं, या एक ही सेल इस तरीके से हो सकता है। अब ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं बेटा, दीज आर कॉस्मोपॉलिटियन। अब इसका मतलब क्या हुआ, हर जगह ये प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया ने हद मचा रखी है। दीज मोनेरा किंगडम आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, these are present in ice, in oceans, deep oceans, soil के अंदर, हमारे हाथों में, हमारे mouth में, हमारे stomach में, हमारे intestine में, हमारे खाने में, हमारी skin में भी हो सकता है, ये बेटा plants में भी हो सकता है, animal में भी हो सकता है, ये आपका बहुत extreme condition में 100-100 degree celsius temperature में हो सकता है, तो these are omnipresent, हर जगह present है, these are cosmopolitan। हार्श हैबिटेट में भी रहते हैं,
तो जैसे बेटा आर्की बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा के, तो ये तो हार्श कंडीशंस में रहते हैं ना। ये बेटा प्रोकैरियोट्स हैं, तो ऑब्वियसली इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। और अब अगर तुम भूल गए हो कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है, तो देखिए बेटा अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करती हूँ, तो यूकैरियोट में ऐसा सेल है बेटा, सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन का होता है, ऐसा यहाँ पे इसका डीएनए और ऐसा डेंस स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियस में, देयर आर टू मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दिस इज द न्यूक्लियोलस। याद कीजिए न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं। This is the nucleoplasm, जो इसका cytoplasm जैसा, मतलब जो इसका अंदर का fluid, this is the nucleoplasm, and this is the genetic material, DNA, L. ऐसा होता है, ये एक proper eukaryote का nucleus होता है, it has true nucleus बोले तो well defined। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है बच्चे। चीज यहाँ पे समझा रही हूँ, हर चीज को याद रखिएगा जैसे जैसे हम आगे क्लास में बढ़ते रहेंगे। बेटा ये जो ऐसा 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 है मैंने बनाया, दिस इज द डीएनए। तो ये डीएनए एक्चुअली ऐसा दिखता है, ठीक है। ये बेटा इस तरीके से जब थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हमने इसको पढ़ा था क्रोमैटिन। लेकिन इसके बेटा पैकिंग होती है, और इसकी पैकिंग करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये बन जाते हैं इस तरीके के जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसा क्यों? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ध्यान से सुनो बच्चे, जब आपका कोई सेल डिवाइड करता है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं हमारे ह्यूमन का जो एक सेल होता है वो आप आंखों से नहीं देख सकते एक सेल, तो ऑब्वियसली उसका न्यूक्लियस तो तुम क्या ही देख लोगे बेटा, और उसके न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए तो तुम क्या ही देख लोगे। बट हैरानी की बात यह है कि ये जो आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, ये डीएनए बेटा 2.2 मीटर लंबा होता है। Isn't that weird? एक 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक ऐसे सेल के अंदर जो दिख नहीं रहा, एक ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जो नहीं दिखेगा। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, अब सोचो जब बेटा सारी हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में, हम दिखते कैसे, हमारी दो आंख, एक नाक, ऐसे बोट, ऐसे हमारे हाथ, हमारे बाल, हमारे वर्टिब्रल कॉलम, हमारी बॉडी के एंजाइम, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। अब मान लो जब एक सेल से दो सेल बटेगा तो उसके पास भी तो ये सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा ले एक मीटर तू ले ले, एक मीटर तू ले ले, ऐसा होता है? करते करते ले बेटा मेरे पास तो अब एक इंच रह गया, अब इसमें से एक एक सेंटीमीटर बांटते हैं, ऐसे तो डीएनए अपने आप को डिवाइड नहीं करता। जब सेल डिवाइड होता है तो सारा का सारा डीएनए आपका डबल होता है, फिर वो दोनों सेलों में बराबर का बटता है। अब ये बटते समय अगर मेरा डीएनए टूट गया तो क्या मर जाएगा सेल, आधा आधा पौना गया किसी में खाली पानी। तो इसलिए बेटा डीएनए की पैकेजिंग होती है। तो ये जो ऐसा डीएनए है, ये ऐसा 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 इसको ऐसा पैक करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा ये डीएनए बेटा, इसको ऐसे पैक किया जाता है हिस्टोन के साथ, विद हिस्टोन प्रोटीन इस क्रोमैटिन को पैक किया जाता है, फिर ये और पैक होता है और पैक होता है, और ऐसा क्रोमोसोम बनाता है।
So during cell division, the DNA, the chromatin is packed with the help of proteins. क्यों? क्योंकि ये DNA बच्चे negative charge का होता है और ये जो stone proteins होते हैं ये positive charge के होते हैं. तो इसको pack किया जाता है. अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये सारी कहानी यूकैरियोट्स के अंदर होती. प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसी कहानी नहीं होती. So nucleus is not that well defined. ना ही इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना ही बच्चे इसके पास कोई न्यूक्लियोलस होता है. इसके पास बेटा कोई स्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, दूसरे तरीके के होते हैं. ऐसे को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस जीनोफोर या न्यूक्लियोइड भी कहते हैं. सो प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा न्यूक्लियोइड होता है, ना कि ऐसा न्यूक्लियस का सिस्टम. ठीक है, चलिए आगे. सेल वॉल, अभी मैं आपको सेल वॉल बताऊंगी. तो इनकी बेटा पेप्टिडोग्लाइकिन की सेल वॉल होती है, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं. तो वैसे तो हम पढ़ते हैं सेल्यूलोज का सेल वॉल, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल अगर आपको याद हो, प्लांट्स में सेल्यूलोज की होती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन की होती है. एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता ही नहीं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक यूकैरियोट्स, वो बिल्कुल बेटा यूकैरियोट्स की तरह होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई. लिपोप्रोटीन बोले तो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई. कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, कोई क्लोरोप्लास्ट, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कुछ नहीं होता. और राइबोसोम 70S होता है, यानी 50S और 30S से बना हुआ. फ्लैजिला अभी हम देखेंगे. फ्लैजिला में भी प्रेजेंट, फ्लैजिला जो इसको मूव करने में हेल्प करे, ऐसा पूंछ जैसा होता है जो इसको चलने फिरने में मदद करता है. तो ये किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता. तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की, तो इनके पास फ्लैजिला नहीं होता. या मैं अगर बात करूं माइकोप्लाज्म की, तो इनके पास भी फ्लैजिला नहीं होता. यूबैक्टीरिया में फ्लैजिला में भी प्रेजेंट. ठीक है, अलग अलग कहानियां होती है. आगे रिप्रोडक्शन बेटा ये सेक्सुअल भी करते हैं और जीन रिकॉम्बिनेशन करते हैं ना. व्हाट इज अ जीन रिकॉम्बिनेशन, ये हम आगे देखेंगे, अगले लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे एज सच कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, कोई गैमेट बनता नहीं है बेटा. एक सेल है, क्या गैमेट बनाएगा, क्या मियोसिस करेगा. सो यहाँ पे बच्चे जीन रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ डीएनए की मिक्सिंग आपको देखने को मिलेगी. न्यूट्रिशन एटोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होता है. चलिए ये कहानी हुई, इसको नोट डाउन कर लेंगे बेटा. और अब हम एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो कैसा होता है, क्या क्या किसी एक मोनेरा किंगडम के प्रोकैरियोट में होता है. ये सारी चीजें एक ही डायग्राम में समझेंगे, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए. चलिए सो लेट्स बी ये मैंने यहां पे क्या बनाया, एक सेल बनाया. ठीक है भाई, अब एक ही बना रही, बढ़िया बनाऊंगी. ठीक है, दिस इज द सेल. बैक्टीरिया के पास बेटा सेल मेम्ब्रेन होता है. सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. अब देखिए इनकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है. बिल्कुल बिल्कुल आपकी यूकैरियोट्स की तरह लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई. तो लिपिड एंड प्रोटीन से कैसे बनी होती है, लिपिड बेटा ऐसा होता है, अगर आपने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ. लिपिड कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, दिस इज बाई लिपिड लेयर, यानी दो लिपिड की लेयर है, एक ही और ये. लिपिड के अंदर बेटा क्या होता है, ये आपका दिस इज द पोलर हेड,
एंड दिस इज द नॉन पोलर टेल. ठीक है, पोलर हेड का मतलब क्या होता है? इट इज हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक मतलब ये सोप, मैकेनिज्म ऑफ सोप एक्शन में पढ़ते हो क्लास टेंथ में, वाटर लविंग. और ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, ये वाटर को रिपेल करता है. ठीक है, चलिए आप बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं. सो कुछ प्रोटीन्स ऐसे बीच में होते हैं, कुछ ऐसे ऊपर होते हैं. ठीक है, सो देयर आर सम प्रोटीन एज वेल. सो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन जो टिपिकल यूकैरियोट की तरह होती है, ऐसे ही इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है. अब इनके पास बीटा सेल वॉल भी होता है. तो यहां पे देखिए, देयर इज अ सेल वॉल. अब इनका सेल वॉल कैसा होता है? तो जैसे प्लांट्स का सेल्युलोज का सेल वॉल होता है, इनका बेचा होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का. पेप्टिडोग्लाइकिन का सेल वॉल होता है. पेप्टिडोग्लाइकिन एक्चुअली इट इज अ पॉलीमर. तो जैसे सेल्युलोज होता है वो खूब सारे ग्लूकोज से बना होता है. इसी तरीके से पेप्टिडोग्लाइकिन दो चीजों से बना होता है. एक, इसको ऐसे ही याद रखिए, नैग, और एक नैग. नैग बोले तो एनएसीटाइल ग्लूकोसामी, और नाम बोले तो एनएसीटाइल म्यूरामिक एसिड. ये आपके कुछ नहीं है, दीज आर टू केमिकल्स, मतलब कंपोनेंट बायोमोलिक्यूल. जैसे एक आपका ग्लूकोज हो गया, और बहुत सारे ग्लूकोज से आपका सेल्युलोज बना होता है. यहाँ पे आपका नैग और नाम से बने होते हैं क्या आपके दिस थे. और तीसरी चीज से ही बने होते हैं. अब देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने तीन चीज लिखी, पेप्टिडोग्लाइकन. तो ग्लाइकन यहाँ पे जो है, दिस ग्लाइकन इज द शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपका नैग और नैम आ गया. एंड दिस पेप्टिडो इज द प्रोटीन. तो यानी ये इन चीजों से बना होता है. तो ये नैग, नैम और प्रोटीन से बना होता है कुछ इस तरीके से. तो जैसे ये नैग है, जैसे ये नैम है, ऐसे जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन. फिर ऐसे ऐसे करते करते ये आगे ऐसे पूरा इनका सेल वॉल बना. ठीक है, चल नेक्स्ट चीज जो बेटा इसके पास होती है. अब ये जरूरी नहीं है सभी बैक्टीरिया में हो, किसी में ये हो भी सकती है, किसी में ये नहीं भी हो सकती. एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. This is glycocalyx, additional layer. दो layer की होती है glycocalyx, मतलब दो तरीके की हो सकती है. या तो बेटा ये rough हो सकती है, इसको कहते हैं capsule, या बच्चे ये smooth हो सकती है, तो इसको कहते हैं slime layer.
तो ग्लाइकोकैलिक्स या तो रफ हो सकती है जिसको बोलेंगे कैप्सूल, या स्मूथ हो सकती है जिसको बोलेंगे स्लाइम, ठीक है, या ये नहीं भी हो सकती, दिस इज द बाहर के स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्हीं बाहर के स्ट्रक्चर में बेटा कोई कोई चीजें प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि आपका प्लाजिला। अब प्लाजिला सब में नहीं होता, बट मैं यहाँ पे बना करके दिखा। तो प्लाजिला इज समथिंग लाइक दिस, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, ऐसा एक हुक और इस तरीके का, ठीक है। ये कौन कौन से पार्ट है, ये वाला जो इसका पार्ट है, दिस इज द बेसल बॉडी, ये वाला जो इसका पार्ट है, दिस इज द हुक, और ये वाला जो इसका पार्ट है, दिस इज द फिलामेंट, ये तीनों मिलकर के बनाता है फ्लैजेला। सो दिस इज द फ्लैजेला बच्चे, जो यहाँ पे उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मूव करने में मदद। ये फ्लैजेला बेटा आपका किस से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, और ये गड़ा हुआ है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। किसी किसी के पास ऐसे स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं लाइक दिस, ऐसे ब्रिसल जैसे, इसको हम कहते हैं फिम्ब्रिए। ये फिम्ब्रिए क्या करता है, ये ऐसे जकड़ता है, और कुछ ऐसे हो सकते हैं, इसे कहते हैं पिलाई। देखिए बेटा, ये पिलाई और फिम्ब्रिए ये पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और ये बेटा दोनों मदद करते हैं अटैचमेंट से। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में भी आता है, ये मदद करता है अटैचमेंट करने में, किसी को जकड़ने में मदद करता है। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है घुसपैठिया बन करके, और बेटा बीमारियां कॉज कर रहा है हमारे किसी इंटेस्टाइन वगैरह से, ऐसे जकड़ा हुआ है या खराश कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसकी मदद से जुड़ा होता है, ठीक है। किसी किसी के पास एक लंबा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बेटा कहते हैं सेक्स पाइलस, ये मदद करता है रिप्रोडक्शन में, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि ये रिप्रोडक्शन में आपकी मदद करता है, ठीक है। चलो ना अब बात करते हैं इसके अंदर के पार्ट की, तो ये तो सारी चीजें इसकी बार थी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके अंदर क्या क्या है। सो इसके अंदर बेटा न्यूक्लियोइड होगा, कोई न्यूक्लियस तो नहीं होगा, तो इस तरीके से ये इसका न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, और इसमें क्या होता है आपका एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है, वन सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, और एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। चलिए बेटा उसके बाद इनके पास कुछ राइबोसोम्स भी होंगे, इसको हमने बोल दिया राइबोसोम्स 70S वाले। इनके पास बच्चे कुछ छोटी छोटी इंक्लूजन बॉडीज भी होती हैं, जिनमें चीजें स्टोर होती हैं, इंक्लूजन बॉडीज जिनमें रिजर्व होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। Now, अब बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बैक्टीरिया के अंदर किसी किसी बैक्टीरिया में मेन डीएनए के अलावा, मेन इस न्यूक्लियोइड के अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल स्मॉल सर्कुलर होता है, समथिंग लाइक दिस,
इसको ऐसे बनाते हैं। सो ये बेटा यहाँ पे आपका होता है, दिस इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बच्चे क्या होता है, नाई राइट इट डाउन, दीज आर स्मॉल सर्क्यूलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी कि ये मेन न्यूक्लियोइड के अलावा होती है, उसके अलावा है, बल्कि न्यूक्लियर वर्ड तो यूज करना ही चाहिए, ये मेन जेनेटिक मटेरियल का पार्ट नहीं है। एंड दीज आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बेटा ये दो तरीके के होंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। एक आपका होता है एफ प्लाज्मिड और एक आपका होता है आर प्लाज्मिड। तो एफ प्लाज्मिड रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, फर्टिलिटी में मदद करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया सेक्स पाइलस, तो ये सेक्स पाइलस और प्लाज्मिड मिलकर के क्या करेंगे ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इनकी रिप्रोडक्शन होती है। उसके अलावा बेटा इनके पास एक आर प्लाज्मिड होता है जो इनको रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस देता है फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जैसे हमने कोई दवाई खाई तो कभी कभी उस दवाई से बैक्टीरिया को कोई असर नहीं होता, तो यानी कि वो उस बैक्टीरिया वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस यानी वो उसको कुछ मार नहीं पा रहा, यानी वो कुछ ना कुछ तो ऐसा बना रहा है अपनी बॉडी में बैक्टीरिया कि वो केमिकल उसको खत्म नहीं कर पा रहा, और वो बनाने में मदद करते हैं आर प्लस। ठीक है, चलो अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैक्टीरिया के पास इस तरीके से एमआरएनए में छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं कई सारे, इसको कहते हैं बच्चे पॉलीराइबोसोम। नाउ व्हाट इज अ पॉलीराइबोसोम, ये हम बाद में पढ़ेंगे, या इसको हम पॉलीजोम भी कह देते हैं, अभी बस समझो। क्या मैंने आपको बोला यहां पे क्या होता है, एक्चुअली दिस इज द आरएनए एंड दिस इज द राइबोसोम। बैक्टीरिया की बॉडी में बेटा एमआरएनए, नाउ व्हाट इज दिस एमआरएनए का ये सारा चक्कर, ये मैं आपको यहाँ पे अभी समझाती हूँ। सो देखिए बेटा होता क्या है, डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन बदलती है एमआरएनए में, और एमआरएनए की सारी इंफॉर्मेशन बनती है प्रोटीन में। अब इसको बस समझो, अपने आप आगे जाके याद हो जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। बेटा मेरी बॉडी के अंदर जो जो एंजाइम बनते हैं, मान लो मेरी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बन रहा, जितना बन रहा है उसके हिसाब से मेरी बॉडी की हाइट हो, ये एंजाइम की इंफॉर्मेशन कहाँ, सॉरी ये हार्मोन को किसी एंजाइम ने बनवाया होगा, इसको बनाने की इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास होती है। अब डीएनए से ऐसे ही डायरेक्ट ये सारी चीजें नहीं बनती, डीएनए से पहले बनता है एमआरएनए और इस एमआरएनए से फिर बनता है आपका प्रोटीन। तो एमआरएनए इज नथिंग बट मैसेंजर आरएनए। डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन, डीएनए बेटा एक डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए में बन जाती है, और इस एमआरएनए से राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ पे इस एमआरएनए पे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोटीन्स लगे हुए हैं, इसको कहते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। ये केवल आपको प्रोकैरियोट्स में ही दिखता है। नाउ अब यहां तक एक चीज और मैं आपको बनाती हूँ, किसी किसी के पास गैस वैक्यूल्स भी होते हैं जो इनको बोयंसी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। यहां तक बेटा इसके फंक्शंस मैं आपको पहले लिखवाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, दैट इज दिस ग्लाइकोकैलिक्स। बेटा ये ग्लाइकोकैलिक्स ना स्टिकी नेचर का होता है, स्टिकी नेचर का होता है। ये क्या करता है, जैसे कहीं पे चिपकना हो ये वहां पे चिपकने में मदद करेगा। तो जैसे लेट सपोज कोई रॉक में किसी चीज पे बैक्टीरिया है, तो ये ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से वहां पे ये इजीली स्टिकी होता है। ठीक है, तो ये अटैचमेंट में मदद करता है।
बेटा इट हाइड्स फ्रॉम द इम्यून सिस्टम. दिस इज वेरी, ये प्रोटेक्शन तो कर रहा है, ये स्टिकी होने की वजह से चिपकने में भी मदद करता है और ये इम्यून सिस्टम से हाइड करने में मदद करता है. तो मान लो मेरी बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया आया और ग्लाइकोकैलिक्स उसकी मदद कर सकता है मेरी एंटीबॉडी से बचने की. सेल वॉल की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो ये उसको एक प्रॉपर शेप दे रहा है, प्रॉपर उसको एक स्ट्रक्चर दे रहा है, प्रॉपर उसको एक साइज दे रहा है. और ये जो एंटीबायोटिक्स की हम बार बार बात कर रहे हैं ना, ये बेटा अटैक करते हैं सेल वॉल को ही. तो जब कोई बैक्टीरिया के खिलाफ मैंने एंटीबायोटिक खाई है, तो वो एंटीबायोटिक हमेशा उसकी सेल वॉल को बनने नहीं देगा, क्योंकि सेल वॉल को बनने नहीं देगा तब ये आपके खुशी खुशी रहती है. और इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, ग्लाइकोकैलिक्स में पॉलीसेकेराइड्स भी होती है. ठीक है, चलिए अब इसकी सेल मेम्ब्रेन हमारी की ही तरह है बेटा, सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन होती है या सेमी परमीएबल, किसी किसी चीज को अंदर बाहर जाने देगी. अभी इसको यही याद करो. नाउ देयर आर टू थिंग्स लेफ्ट व्हिच माइट नॉट बी इन ऑल द बैक्टीरिया बट इन सम बैक्टीरिया, और जो किसी और में भी हो सकता है, जैसे आगे हम साइनोबैक्टीरिया वगैरह पढ़ेंगे, वो दो चीज बनाओगे. बेटा इनके पास कोई ऑर्गेनली तो नहीं होता, आप बताओ इनके पास कोई सेल ऑर्गेनली होता है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं. लेकिन अब रेस्पिरेशन कौन करेगा? बेटा आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. अब कोई कोई बैक्टीरिया रेस्पिरेशन तो करेगा, तो वो एंजाइम्स कहीं तो होंगे, तो इनके पास क्या होगा? ऐसा इनके पास होते हैं ऐसे मीजोसोम्स. ये बेटा इस तरीके से ऐसे लटके होते हैं. दीज आर मीजोसोम्स. अब यहाँ पे मैं आपको मीजोसोम इधर बनाऊंगी बेटा. सो मीजोसोम दो तरीके के हो सकते हैं. एक होता है सेंट्रल और एक होता है पेरिफेरल. तो ये वाला जैसे हुआ, दिस इज द पेरिफेरल. एक होगा इस तरीके से, यहां से ऐसा इससे जुड़ा होगा, दिस इज द सेंट्रल मीजोसोम. तो ये बेटा क्या करते हैं मीजोसोम, इनके पास जो पेरिफेरल वाला है, इनके पास रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. तो ये रेस्पिरेशन में मदद करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन. और बेटा ये जो सेंट्रल होता है, ये न्यूक्लियोइड से जुड़ा होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है. ये डीएनए को रेप्लिकेशन यानी डीएनए को डबल करने में भी मदद करता है. ये बेटा सेल डिवीजन में भी मदद करेगा. ये सेल को साइटोप्लाज्म को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, डीएनए को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मदद करेगा. दूसरी चीज बच्चे किसी किसी के पास होती है, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन से ऐसे निकल करके बनते हैं, फिर ऐसे अलग हो जाते हैं, इनको कहते हैं क्रोमैटोफोर. तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है बच्चों, ये मेम्ब्रेन से ही निकल करके एक्सटेंशंस बनी है. ये क्रोमैटोफोर के पास क्लोरोफिल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है. तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया कैसे खाना बनाएंगे? तो इनके पास इस तरीके के क्रोमैटोफोर होते हैं. ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, ये कंप्लीट खिचड़ी मेरी होती है. जो जो बैक्टीरिया में देख सकती हूँ यहाँ पे, वो सब कुछ बैक्टीरिया में मैंने बना दिया. अब इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे. We will study about shape, sizes, flagella, gram positive, negative, इसका ये सारी चीजें साइनोबैक्टीरिया पे आएंगे. और वो चीज उसके बाद हम मोनेरा अगली क्लास में करेंगे. सो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. सो आज के लिए यहाँ पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. सो बाय बाय एंड थैंक यू.